हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे पेडिक्योर। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पैरों पे कितनी ज़्यादा टैनिंग हुई है। सो नेल्स भी बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगी पेडिक्योर। कोई भी ज़्यादा आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए होंगे इसमें, बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको करेंगे। सो सबसे पहले ये जो फीट पर हमारे हेयर होते हैं उनको रिमूव करने लगी हूँ। वैक्स स्ट्रिप्स ले रही हूँ मैं यहाँ पर। वैक्स स्ट्रिप्स को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेना है सीज़र की मदद से। सो वैक्स स्ट्रिप यूज़ करने से पहले आपने कोई भी पाउडर जो है अपने फीट पे यूज़ कर लेना है। उसके बाद आपके जो हेयर हैं वो काफ़ी अच्छे से निकल जाएंगे बाहर। सो इस प्रोसेस को रिपीट करके हमने सारे हेयर को निकाल लेना है। मैं पेडिक्योर बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, इसलिए मेरे नेल्स की जो हालत है बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है और जो ये हेयर है उनकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सो इसी प्रोसेस को रिपीट करके हमने दोनों फुट के जो हेयर हैं उनको निकाल लेना है। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, कोई भी एक टब लेना है या बकेट लेनी है और उसमें वार्म वाटर लेना है। जो पानी है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस वार्म वाटर में आपको अपने जो फीट हैं उनको रखना है 5-10 मिनट के लिए। अब मैं इस वार्म वाटर में डाल रही हूँ शैम्पू। मैं यहाँ पर मामा अर्थ का शैम्पू डाल रही हूँ। आपके पास जो भी शैम्पू अवेलेबल हो आप उसको डाल लीजिए। सो 5-10 मिनट तक के लिए आपको अपने पैरों को इस पानी में रखे रखना है। वार्म वाटर की हेल्प से आपकी जो भी डेड स्किन होगी वो जल्दी उतर जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको एक लेना है पुराना ब्रश। उसमें आपको जैसे टूथपेस्ट लगाते हैं वैसे ही शैम्पू लगा लेना है और अपने जो नेल्स हैं उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है और अपने जो पूरा पैर है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आप इस तरह से अपने नेल्स को क्लीन करेंगे तो आपको कोई भी जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको कट नहीं करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा स्किन जो हम पैरों से कट करते हैं या हाथों से कट करते हैं उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको जस्ट सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। इस वीडियो में हम कोई भी अपने जो क्यूटिकल्स हैं उनको बिल्कुल कट नहीं करेंगे। इस ब्रश की मदद से आपने पूरा जो पैर है अपना उसको क्लीन कर लेना है। ब्रश से क्लीन करने के बाद अपने पैरों को अच्छे से धो लें और जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो बहुत ही मेरा फेवरेट स्टेप है। उसमें हम करेंगे स्क्रबिंग। सो स्क्रब के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एम कैफेन का बॉडी स्क्रब। अगर आपके पास कोई भी बॉडी स्क्रब नहीं है तो मैंने एक वीडियो जो है डाली हुई है अपने चैनल पर, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मैंने एक होम मेड स्क्रब बनाया। ये जो आप मेरे हाथों पर रेड कलर देख रहे हैं वो मेरा पेन जो है वो लीक हो गया था, उसकी वजह से मेरा जो पूरा हाथ है वो रेड हो गया था। सो गाइज अवॉइड दैट। एक स्पून मैंने लिया है यहाँ पे स्क्रब का और अच्छे से अपने पैर को मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ। इससे जो भी डेड स्किन होगी हमारे पैर पे वो सारी उतर जाएगी। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे नेल्स पे जो थी काफ़ी स्किन जो डेड स्किन है वो लगी हुई थी। सो आपने क्या ले करना है, जो भी ये स्क्रब होगा उसको अपने नेल्स पे भी रब करना है।
दोनों पैरों पे मैंने स्क्रबिंग कर ली है और आपको विजिबल रिजल्ट जो है मेरे पैरों पे दिख रहे हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं अपने नेल्स कट कर लूँगी। नेल्स कट कर लेने के बाद आपको साफ़ पानी से अपने पैरों को धो लेना है, और अगर आप चाहें तो नेल पेंट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नेल पेंट नहीं लगा रही क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है नेल पेंट लगाना अपने पैरों पे। सो गाइज, ये थी आज की जो वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप घर पे पेडिक्योर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पैरों पे कितना फ़र्क पड़ा है। आप सारे स्टेप्स को फॉलो करके घर पे पेडिक्योर करिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।